पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लाफ्टर चैंपियन एंड आई एम योर होस्ट रोशेल राव। अगले हफ्ते 27 अगस्त रात 9:30 हमें मिलेगा इंडियाज लाफ्टर चैंपियन का विनर। ये 10 हफ्ते हमने आपको खूब हंसाया और 27 अगस्त पर हम आपको देंगे लाफ्टर की फीस। लेकिन हमने सोचा क्यों ना उससे पहले आपके लाफ्टर की भूख और बढ़ाई जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द टॉप 5 फाइनलिस्ट। तो फिर एक बार बुलाते हैं इंडिया के लाफ्टर चैंपियन के टॉप 5 फाइनलिस्ट, नितेश शेट्टी, जय विजय सचान, विघ्नेश पांडे, हिमांशु मवानक एंड राजा सू। कैसा लग रहा है तुम लोगों को दोस्त, यहाँ अब यहाँ तक इस जर्नी में यहाँ तक आए हो? सर मेरा सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत रहा क्योंकि पहले एपिसोड से एक तो इतनी बेहतरीन कला मतलब देखने को मिली कि हाँ। मतलब क्रिएट करने को मिली वो अलग, लेकिन देखने को मिली मतलब विघ्नेश भाई में बिल्कुल ही अलग कला है, शेट्टी भाई की ऑब्जर्वेशन मतलब अपने आप में बाकमाल, और मतलब भवंडर भाई की तो ज्ञान का समंदर है, मतलब इतना साहित्य उन्होंने पढ़ा हुआ है बिल्कुल, वो तो मैजिक बॉक्स हमारे साथ नहीं। तो मतलब मैजिक बॉक्स। तुम लोग का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो बहुत ऑब्वियस है, जैसे तुम लोग आए थे और जैसे लग रहे हो, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टारडम एंड ग्लैमर एंड परफॉर्मेंसेस। तो ये जो स्टाइलिस्ट ने आप लोगों को स्टाइल किया, उसके बाद जिस तरह से अब तुम लोग दिख रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है? बहुत सर फर्क पड़ता है आपकी जो अब जिस तरह से आप दिखते हैं, तो उसे एक ही हो जाता है कि यार कोई जेंटलमैन है। हाँ। और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जेंटलमैन जैसा कुछ अभी ये प्रेजेंट करने वाला है, तो लोगों को लगता है कि यार अभी ये ऐसे कमाल के भी परफॉर्मेंस देंगे। जिस तरह से लोग हमें देखते हैं, लोग जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, लोग बोलते हैं यार कि तुम लोग बड़े कमाल के दिखते हो यार टीवी पे, यार बहुत अच्छे दिखाई। फिर जेंटलमैन के कपड़े पहन के राजपाल कैसे करते हो तुम? मैं वो भी जेंटलमैन ही है क्योंकि हम तो उनको पोर्ट्रेट कर रहा होता हूँ किस तरह से, लेकिन लोगों को मजा आता है कि यार इस तरह से ये करते हो, क्या कमाल का लगता है। सूट बूट में भी यार तुम ऐसा एक्ट कर लेते हो, उनको तो अपने ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स अ वेरी। कभी रिहर्सल्स के दौरान जब रात में सोने जाते थे तुम लोग या सोते हो, कभी ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं कुछ दिख रहा है कि वो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं कंपेटिटर्स आगे भागे चले जा रहे हैं और तुमको कुछ याद नहीं है, तुम स्टेज पे चले गए, सब कुछ दिमाग से निकल तो और उठते हैं, एंड देन यू रियलाइज इट वाज अ नाइटमेयर। ऐसा है ना, एक बार मुझे याद है एक एक्ट के पहले रात को जब रिहर्सल करके सोया था, तब ऐसा सपना आया था कि मैं सोया हूँ ऐसे और मेरे छाती पे आके बैठी है ना और मेरे तरफ देख रही है और बोल रही है अब कॉमेडी करके दिखा साले। ये सबसे जुदा टैलेंट, बिकॉज यू नो ही इज टेकिंग आउट सो मेनी वॉइसेस और बगैर अपने लबों को हिलाए वो जब बोलता, इसके क्या सालों रियाज किया तुमने? हमें सिखाओ ना एक लाइन कैसे। नहीं ऐसा बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करने के लिए तो ऐसा किसी भी आवाज में बात कर सकता है, अगर होठ हिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं हिले तो इंटरलॉक के साथ। ऐसा कभी हुआ है स्टेज पे परफॉर्म करते करते राइट इन द मिडल ऑफ योर एक्ट यू suddenly have a feeling I'm going to forget all my lines, how do you deal with that kind of pressure? आप भूल गए कि अभी क्या है, तो एक बार जोरदार वापस तालियां हो जाए सब लोग के लिए। तालियां यानी कि भूला। Let's hear it for our top 5 finalists once again, ladies and gentlemen. So, शुरुआत में I have a question for all of you. What will you do with the prize money? With the 25 lakhs, मैं travel करना चाहूँगा थोड़ा, so that कि बेहतर art, मतलब मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी जितनी आप जियो तो उतनी बेहतर आपकी कला में झलकने लगती है। Actually मैं मेरा home loan है और उसका जो exact amount बचा है ना वो ये show का prize money है। अगर मुझे 25 लाख, तेरे को 25 लाख, तेरे को देखने रहे कितने अच्छे अच्छे लोग आए। और हिमांशु जी,
हेमंत भाई का कर्जा है वो उतारूंगा। अच्छा, वो बहुत आज से ये शो देख रहा है और रोज मेरे नाम का सुंदरकांड कर रहा है। मैं बुंदेलखंड में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो बहुत सेमी अर्बन प्लेस है, काइंड ऑफ रूरल। मैं वहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपनी हाफ मनी देना चाहूंगा और आधे से मैं ट्रैवल करूंगा। अभी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो आप लोगों को सच बोलना है, ठीक है? आई डोंट वांट पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स और एक दूसरे के, मतलब सच चाहिए मुझे, ठीक है? हु इज योर टफेस्ट कॉम्पिटिशन इन दिस कॉम्पिटिशन? रजत सूद तो बिल्कुल नहीं है, वो तो जीत ही नहीं सकता ये शो, उसका चांस ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है ना? अरे हर बार पिंक पहन के आता है ना, इसके लिए चांस नहीं है। अच्छा, पिंक पहनने वाले को जिस दिन ब्लैक पहन के आए ना, उस दिन थोड़ा डर लगेगा मेरे को। सारे ही अपने अपने जॉनर के बहुत ही अच्छे लोग आए हुए हैं, जैसे नितेश शेट्टी है, वो ऑब्जर्वेशन किंग है अभी तो फिलहाल। फिर आप जय विजय को देख लीजिए, वो इम्पर्सनेशन किंग है। भवंडर है, ये नॉलेज में ही अपने आप में इतने किंग है। मतलब मैं इनसे कोई भी बात छेड़ भी लूँ ना तो इनके पास बहुत सारे जवाब, बहुत सारे होते हैं, रिसर्च इज रेडी। फिर एक ये भाई है, मैं इनके साथ में उस दिन दुख बांट रहा था तो इन्होंने बोला वो छोड़, इसके बारे में एक पोयम सुनाता हूँ तेरे को। ये पोयम सुना सुना के मार डालेगा। एक मिनट रजत, मतलब मुझे कम्पीट करना है तो फिर मैं ये करूंगा कि मैंने जो अपना अभी तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, मैं उससे बेहतर कर दूं, या फिर हाँ मतलब मैं कुछ आर्टिस्टिकली चैलेंज लूं अपने आप में जो मैंने पहले नहीं किया शो पे कभी परफॉर्म, तो वो मैं लूं सो दैट कि मैं उस पर खरा उतर पाऊं। तो मैंने तब ये गजल कही थी कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। मुझे लगता था कि इंडिया के बेस्ट लवर शेखर जी हैं। हाँ जी, क्यों? मुझे लगता था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुमन। हिमांशु जी, मेरा बिगेस्ट कंपटीटर मैं ही हूँ। वाह, क्या ये तो तुमने, ये कितना नया जवाब है। सर ये सब बोल रहे हैं कि हिमांशु जी में क्या खासियत है, बहुत ज्ञानी है। अगर सर मैं ज्ञानी होता ना तो फर्स्ट एपिसोड से फिनाले में नहीं आता, पहले ही बाहर हो जाता। कॉमेडी करके ही आया हूँ ना, मेरा ज्ञान है कहाँ? अच्छा, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बताते क्योंकि अगर कम बताओ तो केतन भाई जैसे दोस्त इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो गौरव भाई जैसे उधार मांग के ले जाते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।